दोस्तों आज ये बात तो हर हिंदुस्तानी को पता है कि पहले हमारा भारत एक अखंड भारत था। इस भारत में छोटे मोटे 15 और देश भी शामिल थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह रही जिससे हमारा अखंड भारत टूटकर सिर्फ भारत ही रह गया, बाकी वो सारे देश क्यों अलग हो गए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझना। दरअसल दोस्तों हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है और यहाँ पर समय के साथ छोटे मोटे कई बदलाव होते गए। पहले हमारे भारत को आर्यव्रत के नाम से जानते थे, यानी दोस्तों एक अखंड भारत। इस अखंड भारत में लंबे समय तक हिंदू राजाओं ने शासन किया था। इस दौरान दोस्तों अखंड भारत पर कई विदेशी जातियों ने आक्रमण किया, उसकी वजह से एक अखंड भारत खंडित होता गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 तक आते आते हमारे देश से लगभग 15 देश अलग हो चुके थे। लेकिन फिर भी दोस्तों ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 10 बड़े देशों में आज भी शामिल है। अब आप लोग इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि अगर हमारा भारत खंडित नहीं होता तो आज कितना बड़ा होता। सबसे बड़ी बात, आखिर ये सारे देश अलग क्यों हुए? क्या कोई वजह थी या फिर किसी ने कोई षड्यंत्र रचा हमारे अखंड भारत को खंडित करने का? दरअसल दोस्तों आज से करीब 2500 सालों पहले कई विदेशी सेनाओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे अखंड भारत के हिंदू राजाओं ने हर बार इन विदेशी सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया और परास्त किया और हमारे भारत को अखंड भारत रखने में कायम रहे। दोस्तों आज जो देश भारत से अलग हुए हैं उन पर भी प्राचीन समय में हिंदू राजाओं का ही शासन था। लेकिन जब विदेशी ताकतों के बल और पराक्रम से हमारे अखंड भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तब इन विदेशी ताकतों ने हमारे हिंदू राजाओं के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतियां भरना शुरू किया और फिर इन विदेशी सेनाओं की ये चाल कामयाब हो गई, जिससे हमारे हिंदू राजा आपस में लड़ते गए और अपना एक स्वतंत्र शासन बनाते गए। फिर दोस्तों अखंड भारत की कुछ ताकतें अलग होने से विदेशी ताकतों को एक सुनहरा मौका मिला, जिसको इन्होंने किसी भी हाल में नहीं गवाया। और फिर दोस्तों अगले कई सालों तक इन विदेशी ताकतों का ही शासन चलता आया। लेकिन फिर भी कुछ देश अखंड भारत के साथ अभी भी जुड़े हुए थे। लेकिन 1800 के बाद जब अखंड भारत की दोनों बड़ी संतनतें नष्ट हो चुकी थी, तब अंग्रेजों ने अपना शासन जमा लिया था। दोस्तों 1800 की पूरी कहानी हमारे पिछले वीडियो में है, अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अंग्रेजों ने कई सालों तक अखंड भारत पर राज किया, लेकिन विश्व युद्ध के बाद खुद को कमजोर महसूस करने लगे और फिर 1947 में हमारे अखंड भारत को एक स्वतंत्र देश बनाया। लेकिन आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उसके लिए एक अलग ही मुल्क बनाने की ठान ली और अंत में अखंड भारत का एक आखिरी हिस्सा भी पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हो गया। दोस्तों आपको अखंड भारत की ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को हो सके उतना लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो। और आखिर में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।